नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पूरे भारत में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान कब खुलेंगी, क्योंकि इन शिक्षण संस्थानों के ना खुलने की वजह से सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई में भारी नुकसान हुआ है। चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरे भारत में मार्च 2020 से सभी स्कूलें, कॉलेज, कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद है। इसके कारण सभी विद्यार्थी बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस समय सभी विद्यार्थी अपनी अगली कक्षा की जो पढ़ाई है वो करना शुरू कर देते हैं, और साथ ही कई विद्यार्थियों का तो आधा कोर्स भी पूरा हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस ने विद्यार्थियों की शिक्षा को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। अब सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी स्कूलें, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खुलेगी और कब हम नए सत्र की पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हमारे भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने शिक्षण संस्थानों को खोलने और शिक्षा व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने से संबंधित तीन बड़े फैसले लिए हैं। चलिए आपको मैं इन तीन फैसलों को बता देता हूँ। देख सकते हैं, इसमें सबसे पहला फैसला लिया गया है कि वर्ष 2021 में कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सिलेबस में 30% कटौती की जाएगी, यानी कि आपके कोर्स को छोटा कर दिया गया है। कहने का साफ मतलब यह है कि यदि आप अभी कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं में आए हो, तब आपको पूरा कोर्स नहीं पढ़ना है, आपको केवल 70% कोर्स ही पढ़ना है। सरकार ने 30% कोर्स है वो आपके सिलेबस से कम कर दिया है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप भी जानते हो कि कम समय के अंदर पूरी किताब पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आपकी किताब में से कुछ चैप्टर हैं, कुछ पार्ट हैं, वो कम कर दिए गए हैं। आगे आपके लिए दूसरा फैसला लिया गया है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें अब कोरोना वायरस के साथ ही जिंदगी बितानी पड़ेगी, इसी को ध्यान में रखते हुए अब पूरे भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे कि लगातार देश के अंदर कोरोना वायरस का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी को देखकर लगता है कि जो हमारी जिंदगी है वो अब कोरोना वायरस के साथ ही चलेगी, हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना सीखना होगा। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए जो MHRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जिस प्रकार कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है उससे नहीं लग रहा कि स्कूल और कॉलेज जल्दी खुल जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे स्कूल और कॉलेज कब तक खुल सकते हैं, उन्होंने कुछ जानकारी दी है, देख सकते हैं। तीसरा फैसला ये लिया गया है कि आज केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान अगस्त महीने में खोलने को लेकर पूरे भारत के लोगों से सुझाव मांगे हैं। यदि इन सुझावों के अंदर अधिकतर लोगों ने अगस्त महीने में स्कूल खोलने पर सहमति जताई, तो निश्चित ही 15 अगस्त के बाद सभी शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अगस्त में स्कूल खोलने को लेकर जो भारत के लोग हैं वो MHRD मिनिस्टर को यही कहेंगे कि जो कोरोना वायरस है वो तो हमारी जिंदगी के साथ चलने ही वाला है, इसलिए विद्यार्थियों की स्कूल खोल दी जाए, उनकी शिक्षा को ज्यादा नुकसान ना होने दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगस्त में स्कूल खुल जाएगी और निश्चित ही 15 अगस्त के बाद में सभी स्कूलें, कॉलेज, कोचिंग संस्थान हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि कौन कौन से जो तीन बड़े बदलाव हुए हैं कोचिंग संस्थान, स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।